पठान की टीजर फाइनली आ चुका है और शाहरुख खान की फैंस के लिए इससे बड़ा गिफ्ट शायद कुछ और हो। मतलब एक्शन स्वैग सब है इस टीजर में, जैसा शाहरुख ने खुद बताया था। तो टीजर की शुरुआत होती है बैकग्राउंड में एक आवाज के साथ, क्या जानते हो तुम पठान के बारे में। तब हमें मालूम पड़ता है कि 3 साल पहले उसे पकड़ लिया गया था और काफी टॉर्चर किया गया है। लेकिन क्योंकि पठान फिल्म का हीरो है, इतनी टॉर्चर के बाद तो वो बोलेगा ना भाई। उसके बाद दनादन एक्शन पर एक्शन। तुम एक फ्रेम देखने की कोशिश करते हो और तुम्हारे ऊपर टीजर और 4 एक्शन फेंक के मारते हैं। वही जॉन और दीपिका के साथ शाहरुख का नया लुक भी निकल के आया है, जो कि इस रोल में परफेक्ट लग रहा है। अब देखो, ये एक स्पाई मूवी है तो देशभक्ति तो होगी, लेकिन शाहरुख की पेट्रियोटिक मूवी थोड़ी अलग होती है। इसमें वो झलक नजर आती है। जासूसी मूवी में एक बात और होनी चाहिए, वो है कहानी। क्या इस मूवी की कहानी जस्टिस कर पाएगी? क्योंकि 1 मिनट के टीजर में कुछ खास तो मालूम नहीं पड़ा। फिर भी उम्मीद है कि शाहरुख खान की ये जो रिटर्न है, किंग खान के नाम से फिर खड़ा करे। वो शाहरुख जिसका बॉक्स ऑफिस पर जलवा ऐसा था कि उसकी फिल्मों के आसपास कोई फिल्म रिलीज ही नहीं करता था। वैसे इस टीजर का डायलॉग भी काफी अच्छे है, जैसे कि कुर्सी की पलटी मान लो मौसम बिगड़ने वाले हैं, और इसका VFX का यूज भी बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। सब मिला के शाहरुख खान का ये वो रिटर्न है जिसके लिए हमें 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था। कहानी जितनी बड़ी है, उससे भी बड़ी है वो उम्मीद जो शाहरुख से उनके फैंस की है। तो क्या लगता है, शाहरुख खान ये उम्मीद पूरा करेगी? नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।